बार मैं जुड़ नहीं रहा हूं। अब पहला मैं थोड़ा सा समय लूंगा, हालांकि आपने बताया कि 10 मिनट ही उपलब्ध है, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ तो कुछ बातों को आपके सामने रखना जरूरी है। सबसे नहीं सर, पहले आप तो बिल्कुल समय सूचना के समय अधिकार लें अपनी से पूरी बात रखने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन से जुड़ने से पहले मैं छात्र था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और अंतिम 6 या 7 सालों में मैं जिस हॉस्टल में रहा वो बिल्कुल IIMC के करीब था, पूर्वांचल में रहा था। तो द्विवेदी जी, IIMC से काफी हमारी ताल्लुकात होती रही है उस समय। और बाद में जब सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ उसके अमलीकरण के लिए जब CHRI में मुझे कार्यभार सौंपा गया, पहले तो मैं कुछ और कार्यक्रम में काम करता था, लेकिन 2004 में मुझे बताया गया कि सूचना के अधिकार के मुद्दे पर काम करना है, क्योंकि ये विधेयक तैयार हो रही है। NCPRI ने विधेयक का पार्ट बना लिया था, सरकार को सौंप दिया था, और संस्था में बोला गया कि इस पर काम करना जरूरी है। और जब तक ये विधेयक संसद पहुंच ही रहा था, तो सबसे पहला कार्यक्रम का आयोजन मुझे करने के लिए बोला गया सूचना के अधिकार पर, वो था खास तौर पे पत्रकार वर्ग के लोगों को इस विधेयक के बारे में बताने के लिए। तो RTI का को लेकर जो मैंने सबसे पहली कार्यशाला की है वो आम जनता के साथ नहीं थी, वो पत्रकारों के साथ, और उसमें मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे पत्रकार शामिल थे। फिर कानून पारित हुआ 2005 में मई के महीने में, जिसके पारित होने के अगले दिन यानी तभी उस विधेयक पर आदरणीय राष्ट्रपति जी की हस्ताक्षर भी नहीं हुई थी, उसके अगले दिन ही जून महीने में RTI के विधेयक के पारित होने के अगले दिन ही हमने पुणे, जो शहीद बरनी जो बरने बरनी जी रहते थे वहां पर, उस शहर में हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया। वहां का जो संस्था है, जो अफसर ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है, यशदा, तो वहां पर पहले दिन का कार्यक्रम था सरकारी अफसरों को और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को इस विधेयक के बारे में बताने के लिए, और उसके अगले दिन का कार्यक्रम था पत्रकार मित्रों को बताने के लिए कि ये कानून क्या है, और जानकारी निकलवाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं अपने खबरों को छापने के लिए, तो उस प्रयास में RTI किस तरह से उनका मदद कर सकता है और किस तरह से उनकी जो खबरें हैं उनका जो नींव है उसको ज्यादा मजबूत रख सकता है RTI कानून, तो इसको लेकर चर्चा की। फिर उसके बाद 2005 से हम लोगों ने काम किया 3 राज्यों में RTI कानून के प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि संस्था छोटी है, देश भर में जाकर सारे राज्यों में काम करने की हमारी तो क्षमता पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, इतनी फंडिंग तो मिलती नहीं। तो 3 राज्यों में से जिस राज्य को हमने चुना मुख्य रूप में काम करने के लिए वो था मध्य प्रदेश। भोपाल में एक्सक्यूज मी मैंने जस्ट कई मिनट, सारी कार्यशालाएं की थोड़ा हैं। सा वेंकटेश जी, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। मनराज जी, आप अपने आप को कृपया अनम्यूट कर ले। आप बार बार, मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, म्यूट म्यूट कर रहा हूँ सभी को। एक सेकंड। हाँ वेंकटेश जी, आपने आपको अनम्यूट कर लें। हाँ जी, तो मेरी आवाज आ रही है ना अभी? जी जी बिल्कुल। जी बढ़िया, चलिए तो अपनी बातों को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 2005 से लेकर 2008 या 9 साल तक ऐसे ही कुछ सपोर्ट रही हमारे पास कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यशालाएं किए, RTI कानून के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, प्रावधानों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में सबको बताने की कोशिश की। और जो RCVP नोरोना अकेडमी है भोपाल में, वहां पर भी कार्यशालाएं किए, उस जमाने के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे उनके साथ चर्चा किया। तो काफी सारी अनुभव है मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार को लेकर काम करने का, और बहुत अच्छा लगता था कि वहां पर जो हमारे साथी संस्थाएं थे जो एक प्लेटफॉर्म के तहत जुड़े थे, मध्य प्रदेश सूचना अधिकार अभियान, उनके साथ काफी काम हुआ। फिर वहां पर जो राइट टू फूड कैंपेन है उनके साथ भी काफी काम हुआ।
और उसके बाद से वहां पर मध्य प्रदेश में जाकर काम करने के लिए तो मौके नहीं मिले, लेकिन उनके आपके राज्य के सारे कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का और उनसे मिलने का, बातचीत करने का, इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान के माध्यम से मिल रहा है। तो अपने मूल विषय पर मैं आता हूँ। मुझे बताया गया कि मुझे बात करना है राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन और पत्रकारिता के संदर्भ में आरटीआई किस तरह से कारगर हो सकता है, और जो पत्रकार मित्र हैं वो आरटीआई कानून का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कहने के लिए ये मुद्दा जो है पूरा एक कार्यशाला का मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे कार्यशालाओं को हमने किया है जहां पर पत्रकार माध्यम से आए हुए लोगों को ट्रेनिंग दिया है, तालीम दी है इस कानून के इस्तेमाल करने के लिए। और आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उनमें से कई सारे लोग जो है भले ही हर दिन ना आरटीआई कानून का इस्तेमाल करते हो, लेकिन हर महीना तो कम से कम करते हैं और इस तरह के खबरें निकालते हैं और छापते हैं जो जरूरी है सरकार को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए और ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए। तो मुद्दे की जो मुझे बताई गई, जिस बात मुद्दे पर मुझे बात करना है, तो उसकी मैं शुरुआत एक समस्या के आधार से करना चाहता हूं। ये आज की बात नहीं है, ये आजादी जब मिली हमें 1947, फिर बाद में संविधान आया 1950, यानी जब वो कार्यरत हुआ, तब से एक बड़ी समस्या जो दिखने में आती है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार, केंद्र के स्तर पे हो या राज्य के स्तर पे हो, या प्रशासन जिले के स्तर पे हो या ग्राम पंचायत के स्तर पे हो, सवाल पूछने वाले नागरिकों से इनको थोड़ी सी एलर्जी होती है। खास तौर पे इस तरह के सवाल जिसके जवाब ना सरकार देना चाहती है ना सरकारी अधिकारी देना चाहते हैं। पहले तो आरटीआई कानून था नहीं, तो ज्यादातर जो काम होता था वो प्रेस के माध्यम से होता था। पहले प्रिंट मीडिया थी, फिर बाद में अभी सोशल मीडिया आई है, इंटरनेट बेस्ड मीडिया आए हैं, डिजिटल मीडिया आई है। लेकिन ये प्रथा जो है कि मुश्किल सवाल जो लोग पूछते हैं जवाबदेह बनाने के लिए, सरकार को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, प्रशासन को और ज्यादा उसके कामकाज के बारे में जानने के लिए, तो ऐसी बातों से खुश नहीं होती है। कल ही मैं किसी कुछ वकीलों के साथ बात कर रहा था शाम को, और बात आई सूचना के अधिकार अधिनियम के उपयोग के बारे में, और वकीलों ने हंसते हंसते बोला कि देखिए, अगर आपको ज्यादा परेशानी में पड़नी है, कोई एक तरीका है, तो आरटीआई कानून का इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से परेशानी में डाल देगी सरकार। तो इस आज के कार्यक्रम के बारे में मैं, मेरा सोच विचार चल रहा था कि मैं क्या बोलूं और आपके सामने किन बातों को प्रस्तुत करूं, क्योंकि आप तो कोई स्कूल के बच्चे नहीं है, आप सब जानते हैं कि आरटीए का कानून का इस्तेमाल इस देश में कैसे हो रहा है। तो उन उदाहरणों के बारे में ना बताते हुए, शायद एक दो मैं अंत में बताऊंगा, मैं सोचा कि क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र के रूप में 10 साल मैंने गुजारे, इतिहास जो है मेरे संशोधन का विषय है, तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, और किस तरह से इस फ्रीडम ऑफ द प्रेस का जो रिश्ता है लोगों के जानने के अधिकार के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, क्योंकि इसके बारे में हमारे देश में खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में इतना ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं है, ज्यादातर अंग्रेजी में उपलब्ध है। हमारे आदरणीय द्विवेदी जी ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 1948 में यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर आम सहमति से पारित किया गया, हालांकि ये कानून नहीं है, इसको सॉफ्ट लॉ बोलते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये बात बताई गई है कि इंसान के रूप में जन्म लेने के नाते हर व्यक्ति को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिसको प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी सारे सरकारों की, राज्यों की है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना एक इज्जतदार या गरिमापूर्ण जिंदगी जीना संभव नहीं है। तो उसमें तो अभिव्यक्ति का, विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, इन सारी बातों को शामिल की गई थी। लेकिन फ्रीडम ऑफ द प्रेस को अगर आप ढूंढेंगे इस
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आपको कहीं नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त को एक बात समझी गई थी कि जब बोलने की आजादी का जिक्र किया जाता है इस दस्तावेज में, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में जिक्र किया जाता है इस दस्तावेज में, तो उसी में शामिल है पत्रकारिता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्निहित है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो क्या ये 1948 की सोच है? जी नहीं, ये कम से ये सोच जो है ये कम से कम 250 साल पुरानी है, और इस बात को हमें नजर में जरूर लाना है और इसको याद इसलिए रखना है कि आज के तारीख में पत्रकारिता के अधिकार, फ्रीडम ऑफ द प्रेस पर, बोलने की आजादी पर जो प्रहार हो रहे हैं, मैं केवल इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार, चाहे राज्य के स्तर पे हो या केंद्र के स्तर पे हो, बोलने की आजादी पर और प्रेस की आजादी पर प्रहार करती रही है 1950 से, और उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो ये जानना जरूरी है कि ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस और लोगों के राइट टू नो, ये हमारे लोकतंत्र के कितने अहम हिस्से हैं। अगर कहा जाए तो ये हमारे लोकतंत्र की जो नींव है, जो बुनियाद है, उसके अहम चट्टान है, पत्थर भी नहीं, ये रॉक फाउंडेशन है हमारे लोकतंत्र का। ये किसने कहा? मैं, मेरी उम्र तो बस 52 साल की है, लेकिन उससे 200 साल पहले पूरे विश्व में पहला देश, स्वीडन नाम का देश, यहां पर एक कानून पारित किया गया जिसका जिक्र बहुत सारे आरटीए कार्यशालाओं में होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे पहला कानून है जो देश के नागरिकों को जानकारी मांगने का और सरकार के ऊपर जानकारी देने का जिम्मेदारी को कायम किया। वो है फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट। राइट टू नो एक्ट नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है। सन 1776 में जो कानून पारित किया गया स्वीडन में, उसका नाम है फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट। क्यों? अभी मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर जीवानंद जी, आप मेरा स्क्रीन शेयरिंग अगर आप इनेबल कर देंगे तो मेहरबानी होगी। तो जब तक वो करेंगे तो मैं अपनी बात को जारी रखता हूं। मैं जी तो बिल्कुल, मैं इसको फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट, अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मैं संभव है, मैं इसको जस्ट स्क्रीन शेयरिंग आपको थोड़ा सा, हाँ सर देखिए, हाँ हो पा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो गया हो गया, बहुत बहुत अच्छे, हो गया हो गया, फैंटास्टिक। जी माफ कीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन इसके लिए है, क्या एक सेकंड, अंग्रेजी कार्यशालाओं के लिए हमने इसको बनाया था, तो पार्ट अंग्रेजी में है, मैं कोशिश करूंगा इसको आपको हिंदी में अनुवाद करके बताने के लिए। तो उम्मीद है कि मेरा स्क्रीन आप सबको दिख रहा होगा, अभी फुल स्क्रीन भी मैं कर दे रहा हूँ। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट जो है, इसको संसद में जब रखा गया, ये जनाब है एंडर्स काइडेनियस, पार्लियामेंट के सदस्य थे, इनका जो इंस्पिरेशन था वो चाइना से था, क्योंकि उन्होंने चाइना का हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा था। उस वक्त हुआ ये था कि यूरोप के जो संशोधक हैं, काफ़ी कुछ चाइना में, भारत में काम कर रहे थे, यहाँ की जो स्थानीय भाषाओं में जो छपी हुई जो लिटरेचर है उसका अनुवाद करने के लिए, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें चाइना के पुराने पुराने दस्तावेजों का अनुवाद किया गया, और उसमें जो वहाँ का राजवंश टांग करके है, या टांग बोलते हैं उसको, वो 7वीं शताब्दी में वहाँ पर राज कर रहा था, 200-300 साल के लिए उन्होंने राज किया। तो उनके जो सरकारी दस्तावेजों को जब अनुवाद किया गया, तो उसमें पाया गया कि कोशिश बहुत की गई थी उस वक्त लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी पहुंचाने की। तो इससे प्रेरित होकर इस जनाब ने, ये सरकारी विधेयक नहीं था, आप याद रखें, स्वीडन के
जो पहला कानून ये बना, ये सरकारी दस्तावेज नहीं, सरकारी विधेयक नहीं था, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था। एक निजी सदस्य ने इस विधेयक को पेश किया और बोला कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए। दो प्रकार के अधिकार ये कानून लाता है। सबसे पहले तो प्रेस या मीडिया के माध्यम को छाप, अपने खबरों को छापने का, मतलब सरकार में क्या हो रही है, समाज में क्या हो रहा है, उन खबरों को छापने का अधिकार होना चाहिए और उससे संबंधित जो भी जानकारी है सरकार चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस विधेयक में शामिल किया कि नागरिकों का भी अधिकार होना चाहिए सरकार से जानकारी मांगकर प्राप्त करने के लिए। तो इस विधेयक को लाने के पीछे के कारण भी इस विधेयक में, जैसे उसके जो उद्देश्य और मंशा है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस जो बिल के साथ अटैच होता है, तो इस कानून को क्यों लाया जा रहा है उसका जिक्र भी इसमें किया गया। तो तीन कारण इन्होंने बताए कि बिना बोलने की और लिखने की आजादी के एक मुक्त रूप की व्यवस्था या शासन संभव नहीं है। इस तरह की आजादी के ना होने के संदर्भ में जो एस्टेट्स हैं, एस्टेट्स मतलब संसद के जो सदन हैं, वो अपने कामकाज ठीक से नहीं कर पाएंगे और लोगों के लिए लाभदायक कानून नहीं ला पाएंगे। दूसरा, उन कानूनों को अमल में लाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी सरकारी मुलाजिमों को, उनको अपने कामकाज पर कंट्रोल नहीं रहेगा। और तीसरी बात उन्होंने बताया, जो कानून के पालन करने वाले नागरिक हैं उनको इस प्रकार की आजादी के बिना ये नहीं कि अपेक्षा की जा रही है, किस तरह के बर्ताव की अपेक्षा की जा रही है। और साथ ही साथ कानून में शासकों के अधिकारों की जो व्याप्ति है उस पर किस प्रकार की सीमाएं लगाए गए हैं और उनके क्या जिम्मेदारियां हैं, नागरिकों के क्या जिम्मेदारियां हैं, इन चीजों को लोग जान नहीं पाएंगे, इसलिए इस कानून को लाना जरूरी है। मेरे अपना स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा रुक रहा हूं। तो दुनिया का सबसे पहला कानून जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को रिकग्नाइज किया और लोगों के जानने का अधिकार को अमली जामा पहनाया, वो दोनों एक ही कानून के द्वारा हुआ है। और कारण जैसे मैंने बताया वो ये है कि लोकतंत्र को यदि कायम करना है और उसको फंक्शनल बनाना है तो ये दोनों अधिकार होने चाहिए और अधिकारों को चलाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आप कहेंगे अरे ये वेंकटेश तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव संस्था से आते हैं, कोई विदेशी संस्था है, तो विदेशी बात ही ये बताएंगे, तो हमारे लिए इसका मतलब क्या है, हमारे देश में इसका इतिहास क्या है। तो वो इतिहास मैं आपके सामने अब रखना चाहता हूँ। मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और ये है हमारे, एक सेकेंड है, बात कीजिएगा, 1 मिनट का समय लीजिएगा मुझे। जी जी तो अभी मैं फिर से अपने साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये क्या है, मैं दस्तावेज जो आपके सामने रख रहा हूं ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो 1895 में बनाई गई। आज तक किसी को पता नहीं है कि इस विधेयक का कर्तृ या निर्माता कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, लेकिन आम सहमति यही बनी है कि इसको लिखवाने के पीछे, शायद खुद उन्होंने लिखा नहीं होगा लेकिन इसको लिखने के लिए प्रेरित किया बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेजेंट, जिन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था 19वीं सदी के अंत में। तो ये हमारे देश का सबसे पहला विधेयक है जिसमें हमारी संविधान किस प्रकार से होनी चाहिए उसकी रूपरेखा के बारे में चर्चा सर्वप्रथम की गई, कि यदि हमारा देश आजाद होता है तो हमारे देश का संविधान किस प्रकार की होनी चाहिए, सरकारी व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए और यहाँ के नागरिकों के किस प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। बहुत सारे मौलिक अधिकारों के बारे में इसमें बात की गई, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं
उसको आपके सामने मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिएगा। इसके 16वें पैराग्राफ में लिखा गया है कि हर नागरिक को अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से या लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए और उनको प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए बिना रोक टोक के। लेकिन जब इस प्रकार के अधिकार का वो गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कैसे दंडित किया जाना चाहिए, इसके लिए कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति होनी चाहिए। तो जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई और स्वराज यदि आता है तो देश के शासन की रूपरेखा और संविधान की रूपरेखा किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में जब सोच विचार सर्वप्रथम शुरू किया गया, तो उस वक्त को एक मौलिक अधिकार जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसकी गणना की गई, और वो है राइट टू एक्सप्रेस और राइट टू पब्लिश, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का हिस्सा है। क्योंकि छापने के अधिकार यदि नहीं होता है और बोलने की आजादी यदि नहीं होती है तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी मुमकिन नहीं है। लेकिन आप सबको पता है, अगर आप संविधान को अगर खोल के देखेंगे तो वहां पर कहीं पे भी आपको फ्रीडम ऑफ द प्रेस का जिक्र नहीं मिलेगा, खासतौर पर जो भाग 3 है जिस पर मौलिक अधिकारों की सूची बताई गई है, अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी का जिक्र किया गया है, उसमें कहीं पर भी पत्रकारिता माध्यम की आजादी के बारे में बात नहीं की गई। क्यों? अब सारी चीजों के बारे में मैं आपको सबूत के रूप में स्क्रीन शेयर करता जाऊंगा तो ये पूरी कार्यशाला की पूरी इवेंट इसमें समय लगेगा, तो इसलिए मैं अभी आगे और स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, बस मुंह जबानी आपके सामने बातचीत रखना चाहूंगा। फ्रीडम ऑफ द प्रेस को लेकर शामिल करना या नहीं शामिल करना है, इसको लेकर बहुत चर्चा हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो संविधान के निर्माता हैं उनके जो सभा में बहुत इसको लेकर चर्चा हुई, और आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्पष्टीकरण ये दिया कि जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये केवल एक नागरिक का अधिकार नहीं है, ये पूरे समुदाय का अधिकार है, देश के सारे नागरिकों का अधिकार है, और इसी अधिकार में शामिल है पत्रकारिता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ द प्रेस में पत्रकारिता की आजादी, ये भी उसी में शामिल है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात का निर्णय लिया गया कि अलग से फ्रीडम ऑफ द प्रेस को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यही मानकर हम चलेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस को भी साथ में लेकर इसमें ये चलता है, और फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है इस बोलने की आजादी में अंतर नहीं था। लेकिन इतना कहकर सरकार को तो चला लिया, 1950 में संविधान भी अमल में आ गई, लेकिन जैसे मैंने शुरुआती दौर में बोला कि सवाल पूछने सरकार को आपत्ति है, कई बार आपत्ति होती है, ये आपत्ति 1950 में शुरू हो गई आदरणीय नेहरू जी के सरकार के अंतर्गत। सबसे पहला केस जो आज की तारीख में छात्रों को पढ़ाया जाता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस के संदर्भ में, कि हमारे देश में किस किस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको मजबूत करते आए हैं, तो सबसे पहला केस आता है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, या स्टेट ऑफ मेड्रास के मेरे ख्याल से, उस वक्त तमिलनाडु नहीं था। तो उसमें पत्रकारिता का अधिकार का जिक्र सर्वप्रथम किया गया एक संवैधानिक खंडपीठ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था ये, 5 सदस्यों का या 7 सदस्यों का खंडपीठ था, और उसमें इस बात की चर्चा की गई कि सरकार जब पत्रकारों पर या माध्यम पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है तो वो निरंकुश रूप से उस तरह का काम नहीं कर सकती, उस तरह के आदेश नहीं पारित कर सकते, क्योंकि जिस तरह से बोलने की आजादी मौलिक आजादी है उसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी एक मौलिक आजादी है, और उन उसके ऊपर भी पाबंदी लगना जरूरी है, जिसको लेकर आगे सबसे पहला जो संवैधानिक संशोधन पारित किया गया हमारे संविधान में, तो इस बोलने की आजादी जिसमें फ्रीडम प्रेस का फ्रीडम भी शामिल है, उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो जरूरी है एक
सभ्य समाज में बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने के लिए उसका लिस्ट शामिल किया गया। लेकिन बात वहीं रुकी नहीं हुई। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस बोलने की आजादी का तो अंतर्निहित है, ठीक है, लेकिन इसका नींव क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, बोलने की आजादी क्यों जरूरी है? इसको लेकर बहुत सारे केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में हुए और पत्रकार वर्ग से जो वहां पर कोर्ट के सामने दलील पेश किए गए, जो मीडिया के जो मालिक हैं उन्होंने जो दलीलें पेश किए, उन्होंने बोला कि हमारे व्यवसाय के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस एग्जिस्ट्स बिकॉज वी हैव द फ्रीडम टू परस्यू अवर ट्रेड एंड प्रोफेशन, क्योंकि ये हमारी हमारी पेशा है, क्योंकि हम तनख्वाह लेते हैं, तो छापने का अधिकार जो है, खबरों को छापने का अधिकार जो है, हमारे अपने पेशे जो मनचाहे पेशा है उसको परस्यू करने का अधिकार का इसका हिस्सा इसको मानना चाहिए, ये उनकी दलील थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकारा और बोला जी नहीं, एक सुचारू रूप से काम करने वाले लोकतंत्र में पत्रकारिता का जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है, इसका नींव अपने पेशे को चलाने का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, इसका केवल एक ही बुनियाद हो सकता है और वो है लोगों का जानने का अधिकार। पीपल्स राइट टू नो इज द फाउंडेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस इसीलिए आज काम करता है क्योंकि लोगों को जागरूक बनाने की उसकी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र, तो ये है एक अटूट हिस्सा, एक महत्वपूर्ण रिश्ता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस और जानने की आजादी के बीच में, जानने के अधिकार के बीच। अगर इस बात को हमारे सरकार को चलाने वाले नेता, हमारे विपक्ष के नेता और प्रशासन में बैठे सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी अगर जान जाए इस रिश्ते को, तो जो अफवाहें लगते हैं कि बहुत सारे पत्रकार मित्र आरटीए कानून का दुरुपयोग करते हैं, इसको मैंने बहुत सुना है मध्य प्रदेश में कार्यशालाओं करते करने के दौरान, जब अफसरों की ट्रेनिंग होती है आरटीए के ऊपर। वेंकटेश जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, आपने बीच में माननीय संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी जी जनरल आईआईएमसी के जुड़े थे, आप कतिपय कारणों से कार्यक्रम से कुछ अन्य अपॉइंटमेंट है आपके, तो आप जाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपने मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सबकी तरफ से जी। शुक्रिया। वेंकटेश जी, मैं निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा फिर थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए, फिर अगली किसी मीटिंग में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और अभी हमारे जो अन्य जो मिनट का समय दीजिएगा। जी जी, मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। जी, धन्यवाद। तो इसलिए इस बात को समझ लेना जरूरी है कि जब भी आरटीए कानून का इस्तेमाल किया जाता है जानकारी प्राप्त करने के लिए, मांगने के लिए, तो दो अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है सूचना और मांगने का अधिकार, साथ ही साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार भी, उसका भी प्रयोग होता है। कि जब भी आप एक आरटीए आवेदन लिखते हैं, आप केवल सूचना का अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने विचारों का अभिव्यक्त भी करते हैं और वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ये समझना जरूरी है। तो जब भी कोई सवाल पूछा जाता है कि सरकारी कामकाज के बारे में या फिर सरकारी निधियों के बारे में, सार्वजनिक निधियों के इस्तेमाल के बारे में, या फिर सरकारी कार्यकलापों के बारे में, या फिर किसी कल्याणकारी योजनाओं के अमल के बारे में, तो इसको समझना ये जरूरी है कि लोग जो है ये मांग रहे हैं सरकार को परेशान करने के लिए नहीं, हक के तौर पर मांग रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी है, अधिकार उनका है और जवाब देने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की है। ये आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज की तारीख में बहुत सारे अंग्रेजी अखबार, चाहे प्रिंट मीडिया के हों या डिजिटल मीडिया के हों, उन्होंने आरटीआई कानून का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र प्रोफेसर द्विवेदी जी ने किया, बिल्कुल, उनके सारे एडिशंस जो आज के तारीख में चालू हैं, उनके यहाँ सब जगह आरटीआई सेल्स लगे हैं, जो लगातार आरटीआई फाइल करते रहते हैं और जो जानकारी उपलब्ध होती है उसको आप विश्लेषण करके खबर छापते हैं। इसके अलावा
जो स्थानीय भाषा के जो अखबारें हैं, गिने चुने अखबार ऐसे हैं जो आरटीए कानून का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इतना प्रचलित नहीं हुआ है। ये करना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से द्विवेदी जी ने बोला कि यदि इस तरह की तालीम तरबियत अगर देनी है आरटीए कानून के इस्तेमाल करने के लिए हमारे पत्रकार वर्ग के मित्रों को, तो उसके लिए जिस तरह से वो तैयार हुए हैं, उसी तरह से हमारी संस्था भी बहुत कोशिश कर रही है कि पत्रकार मित्रों को इस कानून के इस्तेमाल करने के लिए, उनको उत्तेजित करने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो आरटीए कानून का इस्तेमाल जो हो रहा है वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। इतने सारे खबरें छप रहे हैं और बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं, बहुत विस्तृत रूप में विश्लेषण किया जाता है, केवल इस नेता की कहावत या उस नेता का कथन या इस अधिकारी ने क्या बोला, कि इस तरह के जानकारी को लेकर खबर नहीं छाप रही। सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया का पूरा विश्लेषण किया है इन्होंने सरकारी रिकॉर्डों के कॉपीज को लेकर, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो या फिर किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी गई हो या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में हो, चाहे छोटे से छोटे स्कूल के कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड के कंस्ट्रक्शन के बारे में खर्चे को लेकर रिकॉर्ड्स का इन्होंने निकलवाया आरटीआई के माध्यम से और उसमें बताया कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये जो प्रथा हमारी देश में चली है इसको मजबूत करना है, इसको और ज्यादा व्यापक बनाना है, ताकि हर स्थानीय भाषा के जो मीडिया हाउसेस हैं इनका इस कानून का इस्तेमाल करें और इस प्रकार का कोशिश करें सरकार को और प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए, और तभी जाकर जो लोकतंत्र है हमारी देश का उसका जड़, उसकी नींव मजबूत होगी और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें सही रूप से कुछ मतलब आएगा, मीनिंगफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर रहेगा, और हर 5 साल में सरकार को जवाबदेह जो चुनाव में हम लोग के दौरान करते हैं उसको हर दिन कर पाएंगे और जो परेशानियां उत्पन्न होंगे उनको रोकने में हम कामयाब रहेंगे, ताकि सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चले। बस इतना मुझे आपको आपके सामने कहना था। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप से मेरी बातों को सुना, और मैं द्विवेदी जी और आपके पूरे प्लेटफॉर्म को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उचित समझा कि मुझे संडे के दिन यहाँ पर बुलाकर आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स पे इस प्रेजेंटेशन को कॉपी मांगा है। जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशन और लिंक्स जो है मैं द्विवेदी जी को ईमेल कर दूंगा और फिर आप सबको वो ये बांट देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश नायक जी, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा जो लिंक है इसका हिस्टोरिकल लिंक है उस पर आपने प्रकाश डाला और किस प्रकार से हम लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई है। निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह से आपका जुड़ाव बना रहेगा हमें ये उम्मीद है, और आप ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहेंगे। हमारे बीच में अमिताभ ठाकुर जी जो आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं अमिताभ ठाकुर जी से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि अभी आप थोड़ा सा 10 मिनट आप हम लोगों को कृपया सुने, क्योंकि कुछ हमारे वक्ता हैं वो कुछ अपनी बातें हम उनको जिनको इनवाइट किए हैं, आप भी सर सदर इनवाइटेड हैं यहाँ पर अमिताभ ठाकुर जी, और आप इस कार्यक्रम में कृपया जुड़े रहे। ऑडियो नहीं आ पा रहा है आपका? ऑडियो अभी? हाँ जी, वो कभी कभी नेटवर्क का भी एक्चुअली यहाँ पे इशू चल रहा है। वीडियो बंद कर लीजिए आप। जी जी, तो अमिताभ ठाकुर जी को भी हम सुनेंगे, लेकिन इसके पूर्व मैं इनवाइट करूंगा हमारे कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर नित्यानंद मिश्रा जी, और वो हमारी मीटिंग में है, तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। नित्यानंद मिश्रा जी, आपका स्वागत है, और कृपया हमारे इस कार्यक्रम के जो अगले विशिष्ट अतिथि हैं माननीय जयराम शुक्ला जी को आप उनके इंट्रोडक्शन के साथ आप कृपया उनको इंट्रोड्यूस करिए और उनको आमंत्रित करिए। नित्यानंद मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? नित्यानंद मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, नित्यानंद मिश्रा जी हाँ लाइन पे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इनवाइट करता हूँ माननीय। आ गए नित्यानंद जी। हाँ जी नित्यानंद जी, स्वागत है आपका, कृपया
कृपया आप माननीय जयराम शुक्ला जी को इंट्रोड्यूस करें और उनको इनवाइट करें कार्यक्रम में। नित्यानंद जी ने अपने अपने आप को अनम्यूट करें। मिश्रा जी अपने आप को अनम्यूट करें। मैं अनम्यूट नहीं हूं। तो शिवानंद जी की तरफ से कुछ टेक्निकल दिक्कत थी। जी जी मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जयराम शुक्ला जी को। हाँ शुक्ला जी कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। आमंत्रित कर रहा हूँ रहे हैं। मैंने शुरुआत की थी आरटीआई में, हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, तब से सर का हम सबको बड़ा स्नेह मिला है। और अभी एक वक्ता बोल राहुल सर ने कहा कि आरटीआई पत्रकार लोग नहीं लगाते, लेकिन मैंने ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आदरणीय जयराम शुक्ला जी ने हम सबको हमारी कई ऐसे मुद्दे दिए जिन पे आपको ऑडियो ब्रेक हो रहा है भाई। जानकारी अभी प्रयास आदरणीय जयराम शुक्ला सर ने किया है। मुझे याद है कि जब हम लोग मंदाकिनी नदी के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए उसमें हो रहे आक्रमण के लिए लड़ रहे थे, आदरणीय जयराम शुक्ला जी ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है। तो वो ऑडियो अपना ये वीडियो बंद कर लीजिए आई थिंक। मैं जयराम शुक्ला सर को इन्वाइट करता हूँ कि वो नमस्कार। नमस्कार सर। आज के इस कार्यक्रम में अभी वेंकटेश नायक जी को हम सुने इससे पहले